हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पहले मोशंस होता क्या है। मोशंस होता है मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट यानी किस तरह से वो घूम रहे हैं। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की। तो दो टाइप्स के मोशंस होते हैं, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। अब पहले देखते हैं रोटेशन होता क्या है। रोटेशन होता है जब मूवमेंट होती है इस अर्थ की अपने ही एक्सिस पे। अब एक्सिस क्या होता है, यह आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। अब दोबारा देखिए, एक्सिस होता है ये जो है लाइन, हमारी अर्थ पे एक ऐसी लाइन होती है, बट वो रियल में नहीं होती है। ये एक हमारी इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी मतलब जो हम सोचते हैं। ठीक, तो इमेजिनरी क्या, जो हम सोचते हैं, इसे हम कहेंगे एक्सिस। तो अब रोटेशन क्या हुआ, जब ये अर्थ अपने इस एक्सिस पे घूमे, अब किस दिशा में घूमेगा, इन दिस, ये एरो आप देख रहे हैं इस तरह से, यानी सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये इस तरह से घूम रहा है। ठीक, इस तरह से जब ये घूम रहा है, दैट इज रोटेशन, मतलब इस तरह से घूमना है, मतलब एक ही जगह पे है और यहीं से रोटेट करना है, रोटेशन। ठीक, अब बात है रेवोल्यूशन की बात। तो रेवोल्यूशन क्या होता है, जब मूवमेंट हो अर्थ की फिक्स्ड पाथ पे। अब फिक्स्ड पाथ पे यानी देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वन सेकेंड जस्ट। ये देखिए, ये हमारा सन होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम, जैसे आपने देखा ही होगा, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स होते हैं हमारे, आपने सोलर सिस्टम जब बनाया होगा तो यहाँ पे हमने मर्करी, वीनस, अर्थ बनाया होगा। ठीक, तो हम अभी अर्थ तक लेके जाते हैं। तो अर्थ की ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इस दिशा में जो ये रोटेट कर रहा है, हम इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। सन के अर्थ के जो अराउंड है ये एरिया, इस फिक्स्ड पाथ पे जब ये रोटेट करता है, इसे हम रेवल करता है, हम इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक गाइस, और रोटेशन में कंफ्यूजन हो रहा है, बट समझ जाइए, एक रेवोल्यूशन है। देखिए इस तरह से ये जो घूम रहा है, डेट इज रेवोल्यूशन, यानी इस तरह से, जिस तरह से चक्की पीसते हैं ना, लाइक डेट। ठीक, और रोटेशन है इस तरह से, यानी यहीं पे जब ये घूम रहा है। ठीक, इसका फिक्स पाथ होता है ये, इसका वहीं पे रह के घूमती रहती है, तो कोई फिक्स नहीं होता मेनली। ठीक, तो ये बात तो हमारी हो गई मोशन की, मोशन किस तरह होते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस। तो जो हमारा एक्सिस होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो हमारा होता है इमेजिनरी लाइन, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमारा ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन होता है जब कोई भी, जैसे कि कोई, पहले तो आप इसका एंगल देख लीजिए, इसका एंगल होता है 66.5। ठीक, डिग्री इज द एंगल ऑफ ऑर्बिटल प्लेन। नाउ द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट, यहाँ पे ये ऑर्बिट है, ये एरिया है, एक ऑर्बिट होता है सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में। तो यहाँ पे जो प्लेन है, यानी जो इतना ये है, इस प्लेन पे जो ऑर्बिट ये फॉर्म हो रहा है ना, हम इसे कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक, समझ आई बात। अब जो हमारा अर्थ है, आप जानती हैं कि जो हमारा अर्थ है, उसे सन की जो लाइट है वो कहाँ से मिलती है, जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द सन। ठीक, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अब आपने सुना होगा कि जो हमारा अर्थ है वो स्फेरिकल यानी गोल होता है। वैसे मैं आपको एक बात आना चाहूंगी, जो हमारा अर्थ है ना, वो गोल नहीं होता, वो हमारा जो अर्थ है वो स्क्वायर में एग्जिस्ट करता है, जी हाँ, या फिर चौकोर, बट ज्यादातर स्क्वायर ही होता है, तो स्क्वायर में ही रियली एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग मानते हैं कि वो सर्कल में, मतलब स्फेरिकल शेप का हमारा अर्थ होता है। ठीक, अब जब इसकी जो जैसे सन है यहाँ पे, ठीक, यहाँ हमारा अर्थ है, तो इस अर्थ को जो लाइट मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है ना। अब ये जो लाइट इसे मिल रही है,
अब इसके स्पेरिकल शेप की वजह से क्या होगा, जो इसका आधा एरिया है, जब सन जब अर्थ का फेस इस तरफ होगा तब इसके इतने ही एरिया में क्या पड़ेगी, सन की लाइट पड़ेगी। सन की लाइट सिर्फ हाफ एरिया में आएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेरिकल शेप। अब क्या होगा, जो पोर्शन, जब जैसे कि सन के सामने जो फेस नॉर्दर्न वाला करेगा तो नॉर्दर्न को मिलेगी, सॉरी साउदर्न वाला करेगा हेमिस्फीयर तो साउदर्न वाला, ठीक आपको पता ही होगा ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। अब हमारी बात होती है जैसे कि देखिए, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ एक्सपीरियंसेस डे फ्रॉम द नाइट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात क्या की गई है, आपकी बुक में भी यही लाइन लिखी गई थी कि जब सन जो है जब वो नॉर्थ की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में फेस करेगा ना, तो जहाँ पे वो फेस कर रहा है यानी इतने एरिया में सपोज कीजिए लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका डे हो रहा होगा, ऑफकोर्स ये बात आपको भी पता होगा। और इस जब यहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही तो यहाँ पे आपकी नाइट हो रही होगी, है ना। तो बस आपकी अभी एक डायरेगा, अब जो सर्कल है यानी जो अर्थ है जो डिवाइड होती है डे और नाइट में ग्लोब पे, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दोबारा बताती हूँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है जैसे कि ये जो अर्थ है इस पर जब इतने ही एरिया में या फिर इतने एरिया इस एरिया में सन की क्या पड़ी, अब देखिए जब इस वाली को भूल जाइए, इस पे देखिए जब आपका सन का फेस इधर है और अर्थ इधर मूव कर रही है, जब इधर रोटेट कर रही है तो जो ये वाला फेस है ये उस साइड जा रहा है, ये वाले फेस पे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे तो आपका डे हो रहा होगा और यहाँ पे नाइट, तो ये जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक। पर हाँ ये देखिए लाइन नहीं होती, ये आप देखिए जैसे अर्थ आप ही गोल है तो इस तरह से ये सर्कल भी तो बन रहा होगा ना, इस तरह से इस पे इस तरह का सर्कल बन रहा होगा, ये वाला पोर्शन पीछे होगा और ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन समझ आ गया, ऑर्बिटल प्लेन समझ आ गया, टू टाइप्स ऑफ मोशन समझ आ गए, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक। अब आइए अब हम बात करते हैं अर्थ की, अभी तक वैसे अर्थ ही कर रहे थे और बात करते हैं, तो जो हमारा अर्थ है ना वो 24 आवर्स यानी पूरा वन डे वो लेता है एक रोटेशन करने में, एक रोटेशन करने में, रोटेशन यानी इस तरह से, तो वो पूरा एक दिन लगाता है इस तरह से रोटेट करने में, और कहाँ पे रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पे, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन एंड दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि जो हमारा पीरियड होता है रोटेशन का, यानी जो ये एक डे का रोटेशन का ये पीरियड है, हम इसे बोलते हैं अर्थ डे, क्या बोलते हैं, अर्थ डे। अब आप सोचोगे कि अर्थ डे तो 22 मार्च को आता है, सॉरी 22 अप्रैल को आता है, जैसे कि हम अर्थ के लिए वो सब करते हैं, बट इसी को ही अर्थ डे कहते हैं। पर ये आप सोचेंगे कि रोज क्यों नहीं आता अर्थ डे, है ना, क्योंकि एक दिन देता है रोटेशन में तो रोज अर्थ डे होना चाहिए, बट उसका पूरा जब 365 डेज यानी पूरा वो जब 12 मंथ वन ईयर का जब रोटेशन कर लेता है ना, तब हम बनाते हैं अर्थ डे। इसलिए हम अर्थ डे बनाते हैं सिर्फ 22 अप्रैल को, क्योंकि तब इस रोटेशन को अर्थ को वन ईयर हो जाता है, ठीक, और एक डे में एक रोटेशन होता है। अब इसी को हम अर्थ डे भी कहते हैं और डेली मोशन भी कहते हैं। डेली मोशन क्यों, क्योंकि रोज मोशन कर रहा है अर्थ, ठीक। अब क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, सोचिए अगर अर्थ ऐसे रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, तो जिस पोर्शन पे सन की रेस पड़ रही थी वहां पे जहां पे डे हो रहा था ना, वहां पे तो पहले तो अगर देखिए अगर रोटेट नहीं करे पहले करेगा तो बता दूं, रोटेट करेगा तो जहां सन की रेस पड़ रही थी ना वहां पे तो वो गर्म रहेगा क्योंकि सन है, और नाइट में कोल्ड रहेगा। बट अगर यहाँ पे अर्थ जो है रोटेट नहीं करेगा तो लाइफ इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि फिर तो पूरे दिन मतलब हमेशा के लिए
फिर तो रात ही रात रहेगी, डार्कनेस ही रहेगा। और क्या आप डार्कनेस में रह पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए हम जो है हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो अर्थ है वो रोटेट करे। अभी देखिए, हमने देखा कि जो रेवोल्यूशन होता है वो हमारा होता है कि जब ऐसे घूमे वो, है ना। अब हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन का दूसरा मतलब भी होता है। रेवोल्यूशन का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है कि जब हमारा अर्थ सेकंड मोशन ले रहा होता है ना अराउंड द सन के आसपास, तो हम उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। ये तो ऑफकोर्स ही बात है। जब हमारा थर्ड रेवोल्यूशन होगा, यानी जब वो थर्ड मोशन लेगा तब भी रेवोल्यूशन होगा, कितने भी टाइम से ले तो रेवोल्यूशन है। बट पता नहीं अभी एनसीईआरटी में क्यों दे गया अजीब सा, है ना। ठीक है, लीव इट। तो अब हम आते हैं कुछ और चीज। तो अब जैसे ये आप जानते हैं कि 365 डेज लेता है हमारा अर्थ को रिवॉल्व करने में, 365 डेज लगता है रिवॉल्व करने में एक अर्थ को, ठीक। ओके, तो अभी अब अगर वी कंसीडर द ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड वो 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब ये जो लाइन मैंने बोली ना, ये अकॉर्डिंग टू लीप ईयर है, ठीक। अब लीप ईयर में इसके अकॉर्डिंग क्या करते थे मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो अब कुछ आपकी फिगर दे रखी है उसको समझाती हूँ मैं, ठीक। तो अब आते हैं हम अपने डायग्राम पे, जो कि हमारा रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन सीजन। इसमें आप देखेंगे कि ये कैसे रिवॉल्व करता है हमारा अर्थ और इसमें सीजन्स किस तरह से आते हैं, किस हिसाब से आते हैं, ठीक। अब इस डायग्राम को ना अभी हम पहले आधा समझेंगे, फिर जब हमारा चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी ना, जब हम विंटर सोल्स्टिस और समर सोल्स्टिस पढ़ लेंगे, तब इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे ही रिलेटेड, मतलब समर सोल्स्टिस और विंटर से रिलेटेड ही इसमें है, ठीक। तो पहले अभी हाफ समझते हैं इसे और फिर दोबारा। तो जो हमारा सन है, अगर ये इस तरफ फेस कर रहा है पहले तो वेस्ट में, ठीक। तो जब हमारा अर्थ इस डायरेक्शन में आएगा, तब देखिए हमारे जो सन की रेज पड़ रही है वो ऊपर पड़ रही है, यानी यहाँ पे समर होगी, यहाँ पे सन की ज्यादा वो होती है, तो तब इसलिए समर आती है। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा? विंटर, ठीक। नीचे विंटर, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमारे घर में आती है तो अब केरला में क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल ही नहीं, पर केरला में जाता है, सॉरी ठंडा मौसम तो होता ही नहीं, बट बहुत ही कम। जो नीचे के स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र वगैरह, मुंबई, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विंटर होती है बहुत ही कम। बट जब यहाँ पे समर फेस कर रहा है तो नीचे जो सॉर्डन है वहाँ विंटर फेस कर रहा होगा। और ये कब होता है? इन 21 जून से हमारे महीने स्टार्ट होता है, ठीक। और यहाँ पे होता है हमारा समर सोल्स्टिस। अब आपको ये समझ नहीं आएगा समर सोल्स्टिस होता क्या है ना, तो जब वीडियो एंड हो जाएगी तो, मतलब जब हमारा ये हो जाएगा तब हम जब विंटर सोल्स्टिस कर लेंगे तब दोबारा आएंगे, ताकि और क्लियर हो ये डायग्राम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये फेस कर रहा है, ठीक, वहां पे इस पोर्शन में तो यहाँ स्प्रिंग हो रहा होगा, स्प्रिंग डे, और यहाँ ऑटम डे, इस साइड ऑटम, इस साइड स्प्रिंग। ये कब होता है? 21 मार्च, जब आपका इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स ही होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे आपका विंटर हो रहा होगा, यहाँ समर, इन 22 दिसंबर, वो होता है आपका विंटर सोल्स्टिस की वजह से, ठीक। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इक्विनॉक्स हुए इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं मिडल, नॉर्दर्न एंड साउदर्न में। अब इक्विनॉक्स का रिलेशन है रिलेटेड टू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं बस कुछ ही देर में, ठीक। तो अभी तो इतना ही समझे के डायग्राम में, अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कुछ लीप ईयर के बारे में, ठीक। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने लीप ईयर पे। तो लीप ईयर में आप जैसे कि जानते ही होंगे कि ये फरवरी में होता है और हमारे 29 डेज हो जाते हैं फरवरी में। एक बात और बताना चाहूंगी, बहुत से बच्चों को डाउट होता है, बट मेनली होना नहीं चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस है। लीप ईयर में हमारे मंथ 12 ही होते हैं भैया, ये देखो कि, क्योंकि देखो 12 मंथ्स ही तो होंगे। आपने कोई न्यू नेम सुना है मंथ का? ये तो सुना है जनवरी से दिसंबर तक जितने भी आते हैं 12, है ना। तो बस मंथ 12 ही होते हैं। ईयर्स जो है, मतलब सॉरी, वो ये हर 4 ईयर्स के बाद आता है, ठीक। अब हर 4 ईयर्स के बाद क्यों आता है, इसके पीछे एक रीजन है। देखिए, अब
जो इससे पहले के 4 ईयर्स रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा जो लीप ईयर है ना वो हर बार जो है हम देखिए, पहले तो मैं रिटर्न करता हूँ, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर एंड एडेड टू सरप्लस टू मेक ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स. दिस सरप्लस इज एडेड टू अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी. थस एवरी फोर्थ ईयर फेब्रुअरी इज 29 डेज. सच अ ईयर 366 डेज फॉर लीप ईयर. अब देखिए ये जो लीप ईयर है इसमें 366 डेज होते हैं, पर 4 ईयर्स के बाद आते हैं, मंथ 12 होते हैं. फरवरी में तब 29 डेज हो जाते हैं, बट पहले फरवरी में 28 डेज होते हैं. ठीक, अब इधर बात आती है कि ये जो हमारा एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें प्लस, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले 4 साल पहले चलते हैं, तो जो हमारा लीप ईयर है ना वो जो रिवॉल्व करता है, तब जब रिवॉल्व करता है, रेवोल्यूशन लेता है हमारा अर्थ, तब ये लीप ईयर लगाता है हर 4 साल में. क्या होता है ये ना 36 आवर्स लगाता है. ठीक, अब ये जो 30 आवर्स लगाता है उसमें से हम कंसीडर करते हैं 24. ठीक, और बाकी के जो इसमें से 6 बचे वो हम किसी और में ऐड कर देते. तो अभी देखिए प्लस 6 हो गया, ये एक ईयर का, मैं 4 साल पहले लेके गई थी, तो अब उसके जो सेकेंड ईयर होगा उसमें फिर 30 आवर्स लिए होंगे, 24 हमने रखे होंगे, 6 अलग ले लिए होंगे, तो फिर प्लस 6. ऐसे ही बाकी के 2 साल भी हमने ऐसे ही किया, तो इनको मिला के हमारा क्या हो गया, देखिए 6 + 6 + 6 + 6 = 24. और ये आवर्स थे ना, तो यहाँ पे भी आवर्स हो गया. अब जब ये 24 आवर्स बन गए तो हमारा ये 24 आवर्स जो आया ये इक्वल्स टू हुआ हमारे 1 डे के. तो यही 1 डे हम 29th डे बनाते हैं ऑफ द फरवरी का. ठीक, अब बात आती है कि लीप ईयर हमें निकालिए, अब फाइंड आउट व्हेन डू द नेक्स्ट लीप ईयर. अब आप बताइए कि नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा इन द कमेंट सेक्शन. ठीक, अब ये जो है हमारा अर्थ, जब ये अराउंड द सन घूमता रहता है वो होता है उसका ऑर्बिट, यानी जो हमने डायग्राम देखा था, जो ये 4 अर्थ मैंने दिखाया था, ये इस एरिया में जो ये घूम रहा है ना, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन मैंने आपको बताया, और इसको हम इलेप्टिकल ऑर्बिट भी बोलते हैं. इलेप्टिकल ऑर्बिट क्यों? क्योंकि इसकी शेप देखिए इस तरह की है, जो कि क्या है, इलेप्टिकल. और ऑर्बिट क्या होते हैं, जिसमें कोई भी हमारा अर्थ या मार्स या जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, दैट इज ऑर्बिट. ठीक, अब जो सीजन्स होते हैं, जो चेंज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे अर्थ है ना, इसकी जब पोजीशन चेंज होती है उसी हिसाब से सीजन्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं. ठीक, अब जैसे कि अर्थ हमारी सर के पास मूव करी, सबने डायग्राम में देखा था, तो क्या हुआ था, समर हो गई थी और बाकी के एरिया में विंटर. फिर हमने देखा था कि स्प्रिंग भी आया था, ऑटम भी आया था, तो वो सन की अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही थी, इसलिए ये हमने पढ़ा. ठीक, अब हम देखते हैं कि 23 सितंबर को हमारा आता है ऑटम सीजन. 1 mark question इज दिस इन योर एग्जाम्स. ऑटम सीजन आपका यहाँ आता है, ठीक है, और ये कहाँ का किस एरिया में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक, और स्प्रिंग सीजन जो है वो भी इसी में आता है, पर वो आता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक, 23 दिसंबर को ही आता है ऑटम में, और ये नॉर्थ में और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, अब इन अपोजिट केस देखें इसका, अगर हम ये तो हमारा केस 1. अब हमारा जो दूसरा केस है उसमें हम देखें तो हमारा जो 21 मार्च था है ना, उसमें जब स्प्रिंग जो थी वो हो गई थी नॉर्थ में, और ऑटम जो था वो हो गया था हमारा साउथ में. अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि तब जो हमारा अर्थ था वो दूसरी डायरेक्शन में रिवॉल्व हो गया. अपने बुक के डायग्राम में आप देखेगा जो सेंटर बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, ठीक, उसमें क्या होगा, हमारा 21 मार्च में स्प्रिंग नॉर्दर्न में आ जाएगा और ऑटम साउदर्न में. इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम आते हैं इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स क्या होता है,
अब इक्विनॉक्स क्या था ऑन 21st मार्च एंड 23rd सेप्टेम्बर वो क्या होता है, हमारा जो सन है ना उसकी डायरेक्ट रेस पड़ती है हमारे अर्थ के इक्वेटर पे। अर्थ के इक्वेटर क्या होता है, ये वाली है, ये होता है अर्थ का इक्वेटर जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ठीक, तो ये लाइन पे क्या होता है, जो सन है उसकी डायरेक्ट रेस पड़ती है, मतलब तब ना नॉर्थ पे पड़ती और ना ही साउथ में, सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब पड़ती है ना, तब 21st मार्च एंड 23rd सेप्टेम्बर को हमारा जो पड़ता है उसे ही हम कहते हैं इक्विनॉक्स। अब एक और डेफिनेशन है ऑफ इक्विनॉक्स की, जब पोल्स जो है, पोल्स ये होंगे ना एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इन पोल्स पे जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है तो जो पूरा अर्थ है उस पे क्या होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट। यानी देखिए, मतलब कि एक सेकेंड, ये जैसे कि अर्थ है ठीक, अब इस पे इक्वेटर पे पड़ रही है, अगर इस एरिया में हल्की सी भी वो चली गई ना हमारी जो लाइट मतलब सन की, तो तब हमारा पूरे एरिया में नीचे तक साउदर्न में भी पूरा दिन डे ही रहेगा ठीक। और अगर नीचे के एरिया में हल्की सी भी चली गई ना सन की लाइट इक्वेटर से पास होते हुए, तो यहाँ पे डे की जगह हमारा नाइट हो जाता है, मतलब पूरा ही अर्थ इक्वल नाइट और इक्वल डे करता है ऑन 21st मार्च एंड 23rd सेप्टेम्बर ठीक। तो इसे ही हम कहते हैं इक्विनॉक्स। और तब हम लगा देते हैं सूर्य ग्रहण, जब हम कह रहे थे कि इस दिन सूर्य ग्रहण है तो अंधेरा रहता है, तभी इसी दिन क्या होता है कुछ बंद मंदिर वंदिर बंद हो जाते हैं, ये सब इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। जबकि कहने की बात है क्या होता है, हम कह देते हैं सूर्य ग्रहण, है ना। तो अब हमने हमने इक्विनॉक्स देखी है, तो अब हम करने वाले हैं विंटर सोल्स्टिस। तो अब सोल्स्टिस होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं विंटर और एक होता है समर। विंटर में होती है हमारी विंटर, कॉमन सी बात है, और समर में होगी समर ठीक है। तो अब एक्चुअली में विंटर सोल्स्टिस में हुआ क्या था हम वो देखते हैं ठीक। तो 22 दिसंबर को सॉरी 22 दिसंबर को जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, देखिए जो अर्थ है इस पे बीच वाली लेयर इज इक्वेटर, ऊपर वाली इज कैंसर और नीचे वाली जो होती है वो कैप्रिकॉर्न ठीक। अब उसके भी नीचे फ्रिजिड जोन और कैंसर वाली से ऊपर फ्रिजिड जोन यानी आर्कटिक सर्कल ठीक। तो अब यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना ये वाली, यहाँ पे 22 दिसंबर यानी ऑन क्रिसमस डे को जो हमारा सन होता है वो उसकी जो डायरेक्ट रेज है ना वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आती ठीक। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेज पड़ती है सन की, उसकी वजह से क्या होता है जो साउदर्न हेमिस्फीयर, कैप्रिकॉर्न का होता है साउदर्न में, यानी जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है तो इस एरिया में ना जो सन की रेस है वो डायरेक्ट पड़ती है। तो क्या होता है यहाँ पे जब सन की रेस पड़ रहे हैं यानी गर्मियां आ जाएंगी क्योंकि समर हो जाएगा फिर, तो समर में क्या होता है जो हमारे डेज होते हैं ना वो लॉन्गर होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। अब यहाँ पे तो हमने देखा साउथ में क्या होगा समर, बट इसका रिवर्स हो रहा होगा ना नॉर्दर्न में, क्योंकि जो हीट है वो तो सारी साउथ में पड़ रही है, नॉर्थ में तो कुछ नहीं हो रहा। तो नॉर्थ में आती है क्या आता है हमारा विंटर्स ठीक, वहां पे क्या होगा हमारे जो डेज होंगे ना वो लॉन्ग सॉरी शॉर्ट हो जाएंगे और नाइट हमारी लॉन्ग हो जाएंगी ठीक। तो हमारा हमने क्या देखा कि साउथ में हो रही है समर और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ठीक। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था वहां पे इसका रिवर्स हो रहा था यानी अपोजिट हो रहा था, साउथ में क्या हो रहा था समर हो गई थी लॉन्गर डे हो गए थे नाइट शॉर्ट हो गई थी, और नॉर्थ में इसका अपोजिट हो गया था यानी विंटर्स डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। तो इसकी रिवर्स कंडीशन को हम क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस ठीक। अब बात आती है हमारे क्रिसमस, अब जो क्रिसमस है वो हमारे 22 दिसंबर को आता है, ओनली नॉट ओनली इन इंडिया, इन अदर स्टेट्स सॉरी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो क्रिसमस इज सॉरी गाइस 22 दिसंबर के 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ऑस्ट्रेलिया में जब देखिए जो हमारा क्रिसमस होता है वो हम विंटर्स में सेलिब्रेट करते हैं
है ना, बट इन ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स. ओके, और 22 दिसंबर से जो होता है ना हीट पड़नी शुरू हो जाती है इन साउथ में, और नॉर्थ में क्या होने लगता है, विंटर्स होने लगती है. तो इसी रिवर्स कंडीशन को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस. ओके, तो अभी तो हमने देख लिया विंटर, अब हम बात करते हैं समर सोल्स्टिस की. तो समर सोल्स्टिस में क्या होता है, जो हमारे पोल्स होते हैं ना, देखिए विंटर में तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास हो रहा था, बट जो हमारा समर सोल्स्टिस होता है ना उसमें पोल्स के पास जो एरिया होता है वहां पे हीट आती है और बहुत कम आती है. मतलब विंटर में तो बहुत ज्यादा पोर्शन में आती थी, बट पोल्स में बहुत लेस आती है, और जो सन की रेज होती है ना वो स्लांट हो जाती है. जैसे कि देखिए अर्थ पे जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे जो हमारा साउथ पोल, वहां पे जब इस साइड हीट पड़ती है ना तो क्या होता है, स्लांट कर जाती है इस तरह नीचे को. ठीक, अब जब ये स्लांट कर जाती है तो जो हमारा नॉर्थ पोल है जो आर्कटिक सर्कल की तरफ है वहां पे क्या होगा, 6 मंथ्स के लिए, मतलब इन द नॉर्थ पोल 6 मंथ्स के लिए सिर्फ डे ही डे होता है. 6 मंथ्स के लिए डे होता है. ओके, क्यों होता है, क्योंकि तो जो नॉर्थ पोल था वो आर्कटिक सर्कल में लाई करते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा 6 मंथ्स थे वो डे में ही निकल जाते हैं, मतलब नाइट होती ही नहीं. ठीक, तो सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट, यानी अब हमने विंटर में देखा था कि जो सॉदर्न हेमिस्फीयर था वहां पे हीट रेज आ रही थी, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना वहां पे हीट रेज आ रही है. ठीक, और उसकी वजह से यहाँ पे समर हो जाएगी, और समर हो जाने के बाद यहाँ पे क्या होंगे, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. ठीक, तो अब जब ये हो जाएगा, और ये कब होता है, 21 जून को, लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो अब जब नॉर्थ में हमारा समर हो रहा होगा 21 जून को, और जब वहां पे 6 मंथ्स डे ही रहते होंगे, तो फिर हमारा जो सॉर्दर हेमिस्फीयर है वहां पे कंडीशंस कैसी होंगी, रिवर्स्ड होंगी. अब जब कंडीशंस यहाँ पे जब रिवर्स्ड होंगी, तो अब जब ये रिवर्स हो गया, जैसे हमने विंटर में देखा था जब सॉर्दर्न में समर हो गया था वो रिवर्स विंटर सॉल्स्टिस होता था, यहाँ पे जब नॉर्दर्न को समर मिल रही है तब उसके रिवर्स को हम कहेंगे समर सॉल्स्टिस. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई तो कमेंट में बताइएगा, और हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कीप लविंग अस.